अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप लोग देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ और मैं हूं आपका अपना मेजबान मुजम्मिल बट। इस समय एक बड़ी ब्रेकिंग खबर लेके आपके सामने हाजिर हूं। मैं आपको बता दूं कि 4 तारीख को असेंबली का पहला सेशन लगा और इस पहले सेशन के अंदर जो है काफी ज्यादा हंगामा देखने को मिला। एमएलए वहीद पारा के द्वारा, जो कि पीडीपी के एमएलए हैं, उनके द्वारा एक रेजोल्यूशन लाया गया था आर्टिकल 370 और 35 ए को रिस्टोर करने के लिए। उस दिन काफी हंगामा हुआ था, लेकिन आज की अगर हम बात करें, यानी कि आज जो तारीख है, आज 6 तारीख है और आज के दिन रेजोल्यूशन जो है वो जम्मू कश्मीर असेंबली के अंदर जो है वो पास हो चुका है। और आपको बता दें कि रिस्टोरेशन ऑफ जो स्पेशल स्टेटस है उसका जो रेजोल्यूशन है जो 4 तारीख को डाला गया था, वो रेजोल्यूशन जो है वो पास हो चुका है असेंबली के अंदर। इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, द न्यूज़ नाउ के माध्यम से आपको देने का प्रयास कर रहे हैं कि 370 का जो आर्टिकल 370 का रेजोल्यूशन डाला गया था वो रेजोल्यूशन जो है वो पास हो चुका है। और इस समय असेंबली के अंदर जो है एक बड़ा हंगामा जो है वो देखने को मिल रहा है। अपोजिशन के द्वारा जो है बड़ा एहतजाज जो है वो किया जा रहा है, लेकिन आर्टिकल 370 का रेजोल्यूशन जो है वो असेंबली के अंदर जो है उसको पास कर दिया गया है। स्पेशल स्टेटस की रिस्टोरेशन का जो एक रेजोल्यूशन वहीद पारा के द्वारा डाला गया था, वो रेजोल्यूशन को जो है हरी झंडी जो है वो मिल चुकी है असेंबली के अंदर। और आपको बता दें कि जब 4 तारीख को ये रेजोल्यूशन डाला गया था, उस समय भी काफ़ी ज़्यादा जो था वो हंगामा देखने को मिला था और जितने भी अपोजिशन में बैठे हुए लीडरान थे उनके द्वारा जो था ये एहतजाज किया गया था और ये कहा गया था कि 370 का आर्टिकल जो रेजोल्यूशन डाला गया है उसको जो है वो पास नहीं किया जाए, ये बिल्कुल नल एंड वॉइड किया जाए। लेकिन आपको बता दें इस समय बड़ी खबर, आर्टिकल 370 का रेजोल्यूशन जो है वो पास हो चुका है। 4 तारीख को पहला सेशन लगा था, 10 साल के बाद असेंबली के चुनाव हुए और 6 सालों के बाद असेंबली के अंदर जो है वो एमएलए जो थे वो वहां पहुंचे। और जिस दिन पहला सेशन लगा और उस पहले सेशन के अंदर ही जो है ये हंगामा देखने को मिला था कि 370 का रेजोल्यूशन जो था वो डाला गया था। हालांकि उस दिन जो चीफ मिनिस्टर हैं उमर अब्दुल्ला साहब, उनके द्वारा भी ये कहा गया था कि ये एक पब्लिसिटी स्टंट जो है वो किया गया है। लेकिन आज 6 तारीख के, आज एक ऐतिहासिक तारीख होगी, एक 5 अगस्त 2019 की और आज एक 6 नवंबर की तारीख, जब रेजोल्यूशन ऑफ आर्टिकल 370 को जो है वो पास किया गया असेंबली के अंदर। ये इस समय की बड़ी खबर है। इस खबर को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और तमाम ये जानकारी जो है वो आम जनता तक जो है वो पहुँचाया जाए, ताकि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो था, जो जिनके द्वारा उन्होंने वोट लेने का काम किया था, वो उन्होंने अपना जो वादा है वो बखूबी तरीके से जो है उस वादे को पूरा किया, पूरा निभाया है। जो उन्होंने कहा था कि आर्टिकल 370 के लिए वो लड़ाई लड़ेंगे, तो उस रेजोल्यूशन का जो है अब हरी झंडी मिल चुकी है। अपनी राय भी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जो है वो जरूर रखिएगा। आप इसी तरह से बढ़ रहे हैं द न्यूज़ नाउ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, आदाब, अस्सलाम वालेकुम।